नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हेट स्पीच मामला है, सेशन कोर्ट पहुंचे आजम खान। आजम खान को जमानत मिल चुकी है। 15 नवंबर तक आजम खान रिहा रहेंगे। जिला जज ने आजम खान ने अपील की थी। 15 नवंबर को सुनवाई होगी। एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर अहम जानकारी, सेशन कोर्ट पहुंच चुके आजम खान। आजम खान को जमानत मिल गई है। आजम खान की तकलीफों का अंबार इतना ज्यादा है कि ना कहा जा रहा है ना सहा जा रहा है। फिलहाल जिला न्यायालय में पेशी हुई थी। 15 नवंबर को अग्रिम सुनवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई जुड़ गए हमारे साथ में। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी और इस बीच कुछ हद तक राहत की चंद सांसें। देखिए, जिस तरह से उनको 3 साल की सजा हुई उसके बाद से ही चर्चाएं थी कि अब उपचुनाव में आखिर उनके घर से या उनके परिवार से कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन आजम खान लगातार जो अदालतें हैं उनको चौखट पर खटखटा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। उसके बाद आज जिस तरह से एक हफ्ते की उनको जमानत मिली है, उसके बाद 15 नवंबर को सुनवाई होनी है। तो फिलहाल इस मामले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी जो सुनवाई जिस तरह से सुनी जा रही है, जिस तरह से उनके जो पहलू हैं उनको देखा जा रहा है, तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या उपचुनाव टालेंगे भी? खासकर रामपुर का जो उपचुनाव होगा, क्या वो टाला जाएगा? कुछ दिन आगे बढ़ेंगे तो अभी फिलहाल कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इनकी सदस्यता को लेकर, क्योंकि इन्होंने चैलेंज किया है उस केस को जिसमें इनको 3 साल की सजा हुई है, उसको भी चैलेंज किया है। कहा है कि हेट स्पीच मामले में उनकी गलती को लेकर निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है कि भाई आपने इतनी जल्दबाजी कैसे करी। चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि अगर आप आजम खान के मामले में इतनी ज्यादा तेजी कर रहे हैं तो अन्य लोगों के खिलाफ भी तो मामला दर्ज होता है, उनकी भी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए थी आपको। सुरेश जुड़े हुए हमारे साथ में रामपुर से। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से रामपुर की? रामपुर में हलचल कैसी है? जब आज आजम खान को जमानत मिली है, उसके बाद क्या कुछ लोगों ने जो उनसे कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है? पूजा जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, आज आजम खान कोर्ट पहुंचे। वहां पर जब पहुंचे तो उसमें जाकर उन्होंने क्या कहते हैं वकील से बात की और जज साहब के सामने जब हाजिर हुए, उन्होंने जिस तरीके से वहां पर जब पहुंचे तो कहीं ना कहीं आजम खान के जो कार्यकर्ता थे उसने एक जोश खरोश देखने को मिला। क्योंकि अगर आजम खान को लगभग 15 नवंबर तक के लिए राहत मिल गई है और एक राहत जो मिली है कहीं ना कहीं आजम खान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत जो थी वो टलती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें रामपुर की, तो रामपुर में लगातार बहुत बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा हो रहा है। बीजेपी वाला कहीं ना कहीं अपने दावा कर रहे हैं। तो कोर्ट की जो अभी जो मतलब आई है, ये जो सुनवाई हुई थी उसमें जो कोर्ट का जो आदेश आया है, तो आजम खान के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। जी बिल्कुल, आजम खान के लिए राहत की सांसें यहाँ पर रामपुर से साफ तौर पर सुरेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं। तो आखिर राजधानी में कैसी हलचल है? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी आजम खान के लिए इस बार संघर्ष करती नजर आई है और न सिर्फ न्यायालय तक बल्कि चुनाव आयोग तक। कई सारे सवालात ऐसे थे जो समाजवादी पार्टी ने खड़े कर दिए सत्ता पक्ष की तरफ। चुनाव आयोग ने जवाब भी मांगा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट काटे गए हैं, जो मुस्लिम थे या यादव थे, खासकर उन इलाकों के वोट काटे गए। तो फिलहाल इसका जवाब भी अखिलेश यादव को देना है चुनाव आयोग को। और इसके अलावा जो आईजी लक्ष्मी सिंह है, लखनऊ की आईजी हैं और यहीं से लखनऊ की एक सीट है सरोजनी नगर, जहां से उनके पति राजेश्वर सिंह चुनाव लड़े और विधायक भी हुए। तो फिलहाल ऐसे इस मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जवाब देने वाली है। लेकिन इस बीच अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। आज ही का मामला है इरफान सोलंकी, जो विधायक हैं कानपुर से, उनके ऊपर आरोप लगे। वो आज लखनऊ में मौजूद थे, पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। अखिलेश यादव से कहा है कि उच्च अधिकारियों से बात करें और इस पूरे मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की जाए। तो फिलहाल एक डेलीगेशन अभी डीजीपी से भी मिलेगा। और दूसरी तरफ आजम खान है, जो उनके कद्दावर नेता है पार्टी के, वो लगातार सरकार जब भाजपा की बनी तो जेल में रहे। 2.5 साल ज्यादा उन्होंने जेल में वक्त बिताया, लेकिन उसके आने के बाद जो जिस तरह से लगातार उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं या पुराने मामलों में सजाएं होने लगी हैं, अब्दुल्ला आजम उनके बेटे, उनकी भी वो भी जेल में रहे,
तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं या विधायक रहे हैं उनकी मुश्किलें थम नहीं रही हैं। आजम खान बड़े नेता रहे हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 2024 की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं, तो फिलहाल उसमें अगर देखा जाए तो आजम खान एक महत्वपूर्ण चेहरा होंगे। ऐसे में उनकी क्या स्थिति होगी, वो कहाँ होंगे, उनकी विधानसभा बचेगी या रद्द होगी, या उपचुनाव में कौन प्रत्याशी होगा, तो कई तरह के सवाल हैं फिलहाल अभी। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार मुश्किलों से घिरी जरूर नजर आ रही है, चाहे उसके कहीं के विधायक कानपुर के हों, चाहे आजमगढ़ के हों, और चाहे इसी बीच जो सपा संरक्षक मुलायम सिंह का देहांत हो, तो कई तरह के भी विपदाओं से तो गुजर रही समाजवादी पार्टी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो विपदाओं से जूझ रही है समाजवादी पार्टी और विपदाओं से घिरे हुए हैं आजम खान और उनका परिवार भी। ना सिर्फ आजम खान बल्कि उनका परिवार भी इस समय मुसीबतों से घिरा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, दो दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने आज सुबह श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए और पूजा के साथ ही मंदिर के सेवकों ने सीएम का स्वागत भी किया। सीएम योगी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचे, जिसके बाद वेद मंत्रोच्चारण के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है और उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद श्रीकृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन भी किया और इस मौके पर सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी भी मौजूद रही हैं। मुख्यमंत्री यहां सभी कार्यों में शामिल होने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहां पे फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग हुआ है, अंतिम बरसात पड़ने पर जो नवंबर प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हुआ था, 8-10 दिनों तक लगातार बारिश पड़ती रही, उस फसल को नुकसान हुआ। लेकिन जहां पर नेचुरल फार्मिंग से जीवामृत और घनामृत का उपयोग करके जहां पर किसान बंधुओं ने, प्रगतिशील किसानों ने या इनिशिएटिव लिया, वहां पर फसल को नुकसान नहीं हुआ, बहुत अच्छी फसल वहां पर चल रही है। और इसके लिए धरती की शुद्धि के साथ साथ फसल की शुद्धि भी और अच्छा उत्पादन भी हो रहा है। इसके साथ ही हम भारतीय नस्ल के देसी गोवंश से तमाम प्रोडक्ट तो बना ही सकते हैं, गोमय से, गोमूत्र से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। आज उससे सीएनजी भी बन रही है, किसी मथुरा में एक प्लांट लगा हुआ है, इस कौन को जाके देखना चाहिए। वहां पर आज बदायूं में भारतीय नस्ल के गोवंश के गोबर से, गोमूत्र से पेंट का निर्माण भी हो रहा है। पहले भारत के अंदर हर परिवार अपने घर की पुताई गाय के गोबर से। तो वहीं समाजवादी पार्टी के एक और विधायक इरफान सोलंकी कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ थाने में केस दर्ज कर लिया गया। जाजमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत फ्रेंड्स कॉलोनी में दो दिन पहले एक प्लॉट में बनी दो झुग्गियों में आग लग गई थी। इन झुग्गियों में रहने वाली बेबी नाज ने सपा विधायक और उनके भाई पर प्लॉट कब्जाने के लिए उनके घर को जलाने का आरोप लगाया। तो वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों पर सोलंकी ने कहा कि उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस महिला ने आरोप लगाया मैं उसको जानता तक नहीं हूं। उनका यह भी कहना है कि पुलिस ने मेरे घर पर धावा बोलकर मेरे परिवार के साथ बदसलूकी की। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी गिरफ्तारी के लिए कानपुर से पुलिस टीम लखनऊ से रवाना हो चुकी है। विधायक की गिरफ्तारी के दो डीसीपी, चार इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस अधिकारी भी उनकी गिरफ्तारी के दौरान मौजूद रहे। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं कि बीती रात 3 बजे मेरे घर में कम से कम 10-15 थानों की पुलिस आई, जिसने मेरे घर को छावनी बना दिया। क्योंकि आप सबको मालूम है हाल ही में मेरे चाचा का निधन हुआ, मैं घर पर मौजूद नहीं था। मेरे परिवार के साथ, मेरी धर्मपत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ पुलिस ने बहुत बदतमीजी करी, और जिसका कोई सबूत नहीं, कोई मतलब मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी बराबर मैं 2 दिन पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर से मिला, कल की भी बात है जब सिखों का एक धार्मिक कार्यक्रम था मोती झील में, मेरी वहाँ भी मुलाकात हुई। मैंने खुद स्वयं कमिश्नर साहब से टाइम भी मांगा कि मैं मिलूं और आपको एक ज्ञापन भी देना हूं। मैंने कहा भी उनसे कि आप इसकी जांच करवा लीजिएगा
और वहीं पे डीएम महोदय भी मौजूद थे कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, उनसे भी मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है और आपसे बात करनी है। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव को लेकर के उपचुनाव नामांकन के लिए प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिगेट्स लगा दिए गए हैं और नामांकन स्थल तक केवल प्रत्याशी और प्रस्तावक को ही जाने की अनुमति होगी। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है और सुरक्षा के लिहाज से भारी तादाद में पुलिस भी तैनात रहने वाली है। आगामी लोकसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कल 10 तारीख से 17 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, उसके लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए जा रहा है जिससे कि अनावश्यक रूप से यहाँ भीड़ न होने पावे और सिर्फ वही लोग जो आवश्यक हैं वो इस परिसर में आ पाएं। एक प्रत्याशी और उसके साथ दो उसके सहायक ही बस यहाँ पे आएंगे, उसके अलावा अन्य लोग नहीं आएंगे। इसके लिए चारों तरफ बैरिकेड कराया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, डीएफएमडी लगाई जा रही है, एचएचएमडी के साथ ड्यूटी लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में एमएसएमई कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने फतेहपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ में बैठक की है। बैठक में संबंधित विभाग की संचालित योजनाओं की समीक्षा हुई, जिसमें सरकार से संचालित योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद यूपी टेक्सटाइल नीति 2022 से वस्त्र उद्यमियों को मिलने वाले लाभ के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी साझा की गई है, ताकि जो इच्छुक बेरोजगार युवा हैं वो उद्योग स्थापित करते हुए आत्मनिर्भर हो सके और जिले की बेरोजगारी भी दूर हो सके। उत्तर प्रदेश में 2022 की जो नई टेक्सटाइल नीति है उसका लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा है और उसमें लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमें पूरी संभावना है कि इस नीति को जिस तरीके से अभी उद्यमियों ने सराहा है, पहली बार टेक्सटाइल नीति में तमाम नवयुवकों को जो हमारे नौजवान हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 75% तक हमने इस नीति में छूट दी है। आप अभी देखेंगे कि अगर वो कोई अपना रोजगार करना चाहते हैं, नौजवान जो पढ़ लिख करके टेक्सटाइल की डिग्री लेकर के आते हैं और वो अन्य प्रदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं, उनको स्वतः रोजगार करने के लिए इसमें अनेक संभावनाएं हैं, वो हम लोगों ने इसमें किया है। अलीगढ़ में बारजौता गांव में 3 दिन में 7 लोगों की मौत के बाद सांसद सतीश गौतम सीएमओ के साथ पहुंचे। हालांकि सीएमओ नीरज त्यागी ने कहा है कि डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है, बुखार की जटिलताएं मिल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 26 लोगों का सैंपल लिया है। सीएमओ ने यह भी बताया कि जब तक बुखार की पुष्टि ना हो जाए तब तक उसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू ही मानते हैं, पुष्टि होने के बाद ही कंफर्म कह पाते हैं। जैसे ही बुखार आता है एक माहौल बन जाता है डेंगू हो गया, उससे आदमी घबराता है और घबराने से क्या होता है, बीपी लो होता है, प्लेटलेट भी डाउन आती है, घबराने से सारी बीमारी एकदम अटैक करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक दो दिन बुखार आने के बाद दूसरी रूप से भी आ सकता है। 100% यहाँ डेंगू से मौत नहीं है, वैसे भी बस बीमारी से किसी कारण बस मौतें हुई हैं, लेकिन आज की डेट में उन पर पूरी काबू पा लिया।